हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करूंगा आप सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज हम एक वीडियो के बारे में बात कर रहे हैं जो कि आप लोग सोशल मीडिया में काफ़ी ज़्यादा लोग शेयर भी कर रहे हैं, और ये घटना को भी शायद आप लोग जानते ही होंगे, और हो सकता है मेरा ये वीडियो बनाने में लेट हो गया है। तो ये घटना है सरस्वती पूजा का टाइम का, और मेरे पास एक दोस्त का फ़ोन आया था हजारीबाग का, जो कि विष्णुगढ़ तरफ का ही एक दोस्त था, जो कि हमें फ़ोन करके बताया कि भाई नेटवर्क इशू वाला कोई प्रॉब्लम था। तो मैंने इस घटना पर ज़्यादा जोर नहीं दिया था या ध्यान नहीं दे पाया था, क्योंकि उस समय जब कॉल किया, क्योंकि सरस्वती पूजा का टाइम था, मैं काफ़ी ज़्यादा उस टाइम बिजी था। तो वो भाई मुझसे पूछ रहा था कि भाई आपके उधर क्या नेटवर्क का कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, क्योंकि हम लोग का डेली का वीडियो अपलोडिंग करने का रहता है। तो वो भी एक भाई छोटा सा यूट्यूबर ही है, ज़्यादा बड़ा नहीं। तो भाई ने मुझे वो पूछा, तो मैंने बताया कि नहीं भाई, ऐसा कुछ प्रॉब्लम हम लोग के इधर नहीं है। तो फ्रेंड्स, आप लोग बता देंगे कि ये प्रॉब्लम किस कारण से हुआ था। सबसे पहले मैं आप लोग को वीडियो दिखाता हूँ। रूपेश पांडे 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 2711 को गिरफ्तारी हो, गिरफ्तारी हो। 27 नामजद मुजरिम पर मॉब लंचिंग का केस हो, केस हो, केस हो। अभियुक्त को फांसी की सजा हो, फांसी की सजा हो। परिवार का इकलौता वारिस समाप्त हो गया है, तत्काल सरकार 50 लाख का मुआवजा निर्गत करे। परिवार का एकमात्र पढ़ाकू लड़का का जीवन समाप्त हो गया है, परिवार के एक सदस्य को नौकरी झारखंड सरकार दे। स्वर्गीय रूपेश पांडे के नाम पर करियातपुर मोड़ पर 31 फीट का स्टेचू का निर्माण हो, ताकि रूपेश पांडे अमर रहे। सामने वो वीडियो क्लिप देखा है, इस वीडियो क्लिप में देख सकते हैं काफी लोग मतलब रोड सड़क पर उतर कर प्रदर्शन कर रहे हैं, यानी कि हत्यारा जो है रूपेश पांडे जी का, उनके हत्यारे को गिरफ्तार करने का अपील कर रहे हैं। लोग सड़क पर उतर चुके हैं, मतलब वहां का माहौल काफी ज्यादा खराब हो चुका था, जिसके कारण से वहां का जो तीन जिला थे, हजारीबाग, कोडरमा और गिरिडीह, ये जगह में नेटवर्क पूरा बंद कर दिया गया था, क्योंकि वहां पर ज्यादा ये विवाद ना हो। और वहां पर क्या हुआ था कि दो गुटों में मारपीट हो गया था सरस्वती पूजा के विसर्जन पर, और ये हमेशा उस एरिया में होता ही रहता है। आप लोगों को शायद मालूम होगा, अगर आप लोग हमारा ऑडियंस अगर उस एरिया से हैं, गिरिडीह, कोडरमा, हजारीबाग से हैं, तो आप लोग कमेंट सेक्शन पर बताना कि ये घटना क्या था। तो मुझे साफ से जाहिर सा पता चल गया जब हमारे पास कॉल आया था कि भाई आपके पास कोई उधर आपके एरिया में धनबाद में नेटवर्क प्रॉब्लम है का, तो मैंने बताया भाई ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है। तो जाहिर सी बात था कि ये सरकार का जिस तरह से माहौल वहां पर क्रिएट हो गया था, इसको बचाने के लिए ये बात ज्यादा दूर तक ना फैले, जिसके कारण से नेटवर्क बंद कर दिया गया था।
और मेरे पास अगर आप लोग चाहेंगे कि भाई वो भाई आपको कॉल किया था, तो मैं उसका रिकॉर्डिंग में आप लोगों को सुना दूंगा। वो भाई विष्णुगढ़ के हैं, तो मुझे आज इसलिए मुझे वो बातें सारे याद आ गए कि भाई सबको बोल रहा है कि तीन जिला में नेटवर्क बंद था, नेटवर्क ही नहीं था, कुछ दिन के लिए बंद कर दिया था 24 घंटा के लिए शायद। तो आप लोग कमेंट सेक्शन पर बताना। और दोस्तों ये जो आप लोग देखे रूपेश पांडे, ये जो हुआ था विसर्जन का टाइम इनके साथ जो हत्या किया दिया गया है, बहुत ही दुख की घटना है और मैं भी इसमें बहुत ही दुखी हूँ। और पता नहीं उनके फैमिली वाले अभी किस तरह से, उन लोग का माहौल है उनके यहाँ पर नहीं है, वो तो आप लोग खुद समझ सकते होंगे जो उनके आसपास में रहते हैं। तो ये काफी दुखद घटना हुआ जो कि एक माँ ने अपने बेटे को खो दिया है सरस्वती पूजा के विसर्जन के टाइम। और ये विवाद जो था वहाँ हमेशा मतलब ये होता ही रहता है उस एरिया में खास करके। तो मैं ये वीडियो में कोई जातिवाद वीडियो ऐसा नहीं कि मैं उन लोगों को सपोर्ट कर रहा हूँ, बस मैं यही अपील करता हूँ कि अगर उसका जो भी हथियारा जो इस तरह से करके रूपेश पांडे जी का हत्या कर दिए या जो भी लाठी डंडों से जिस तरह से भी हुआ उनके साथ, भाई एक भाई का इस तरह का चला जाना बहुत ही दुख का बात है। और मैं बस इतना ही अपील करूंगा कि वो उनके जितने भी जो हथियारे थे और उनके साथ जो ये घटना को अंजाम दिए हैं, वो जल्द से जल्द सरकार उनके सरकार और प्रशासन दोनों उनके साथ मिल के उनको गिरफ्तारी करें, मैं ये अपील करूंगा। और आप लोग आगे कमेंट सेक्शन पर बताना कि ये सही है गलत जो भी था। भाई लोग आप लोग ये नहीं कि मैं एक पर एक किसी का पर जा रहा हूँ, भाई वहाँ पर किसी ने अपना लड़का को खो दिया है और ये बहुत सारे लोग भी जा रहे हैं उस पर वीडियो बना रहे हैं। और आप लोग अगर ऐसा चाहते हैं कि मैं वहाँ पर जाऊँ और इस पर एक वीडियो बनाऊँ, तो मैं स्पेशली उनके फैमिली से मिलने के लिए जा रहा हूँ, आप लोग कमेंट सेक्शन पर बताना। तो चलिए ये घटना के बारे में आप लोग को क्या जानकारी नहीं है वो कमेंट सेक्शन पर देना। और आपको ये वीडियो अच्छा लगा या जो भी लगा अपना फीडबैक जरूर दें कमेंट सेक्शन पर, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोगों को इसके बारे में जानकारी मिल जाए और हमें भी कुछ नया कुछ हो इस तरह का तो आपको मैं बता पाऊँ। नामजद मुजरिम पर नौ का केस हो, नाबालिग है उसकी मार मार के हत्या कर दी है। सरस्वती पूजा विसर्जन में जुलूस निकला था जिसमें कि बहुत सारे असामाजिक तत्वों ने हमला कर दिया है और सरकार इस मुद्दे को दबाने के लिए 4 जिलों में इंटरनेट की सुविधा बंद कर दी थी। आज कल शाम में वहां पे इंटरनेट खुला है, सारी जानकारी पूरे झारखंड प्रदेश में फैली है। सरकार बार बार से गुंडागर्दी बढ़ा रही है, या तो कि न्यूज पेपर के माध्यम से हमने जाना है कि 27 लोग पे नामजद और 100 लोग पे अज्ञात, यानी आप मान सकते हैं कि पूरी की पूरी मॉब लिंचिंग की घटना है। 200-300 लोगों ने एक नाबालिग रूपेश पांडे की हत्या की है। झारखंड सरकार अभी भी सोई हुई है, बड़ी प्रशासन अभी इसके में क्या की है उसके बारे में झारखंड सरकार ना बोल रही है ना कुछ कर रही है, यानी ये मॉब लिंचिंग को बढ़ावा दे रही है और वैसे असामाजिक तत्वों को बढ़ावा दे रही है जो हमारे पर्व त्यौहार में हिंदू की हत्या करते रह रहे हैं। इस प्रिंट मीडिया के माध्यम से वीडियो माध्यम से हम सरकार को सुनिश्चित करना चाहते हैं कि जल्द से जल्द हथियारों को फांसी दे, नहीं तो हम झारखंड बंद करने का ऐलान करेंगे।